3,000 रुपए में रूम प्लस मील्स प्लस सफारी तीनों चीजें इंक्लूड है, तो ये बेस्ट डील होने वाली है, बजट होटल होने वाला है। साथ में इस होटल के अंदर आपको ये और भैया बताते हैं ऐसी जगह पे ही लैपर्ड का खतरा ज्यादा है। ऐसी जगह पे आ गए हैं कि अभी इन सब ने हमें वार्न कर दिया है कि यहाँ पर केयरफुल रहना है, क्योंकि ये अंकल है ना, इनका एक जानवर था, उनको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे पकड़ लिया था लैपर्ड ने। जो इतना बड़ा पेड़ है वो उखड़ के आया हुआ है पानी के साथ ही। Hey guys, once again, welcome back to Thakur Saurabh Vlog। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक बार फिर से हम लेके जाने वाले हैं कहाँ पर भाइयों? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाएंगे और एक बढ़िया से रिजॉर्ट के अंदर स्टे करेंगे। साथ में आपको रिजॉर्ट तो दिखाएंगे ही, उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे, सारा व्यू वगैरह उसमें होगा ही, टैरिफ वगैरह भी होगा, अलग अलग कैटेगरी वगैरह जो भी होगी सारा कुछ शेयर करेंगे। बाकी इस टाइम हम कहाँ पर खड़े हैं भाई लोगों? हरिद्वार। तो हरिद्वार से हम लोग निकल रहे हैं। इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो 2:15 हो रहा है और हरिद्वार से 2:15 पे हम निकल रहे हैं, तो ये भी पता लग जाएगा आपको कि कैसे रास्ते हैं, कितना टाइम लगता है। बाकी ये ब्यूटीफुल सी माता रानी की एक मूर्ति है जो कि कुछ ज्यादा ही बढ़िया विशाल मूर्ति है, वीडियो में छोटी लग रही है, पास से दिखाऊंगा। तो यहाँ से निकलते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हाईवे मिला है, हाईवे काफी शानदार लग रहा है, बहुत चौड़ी रोड है और ये सीमेंटेड रोड है, तो भाई टायर में एयर प्रेशर भी कम है तो काम चल जाएगा, क्योंकि एयर प्रेशर मेंटेन कर देता है ये रोड। बाकी ऐसे ही रास्ते मिले तो ज्यादा मजा आने वाला है और थोड़ी ग्रीनरी व्रीनरी मिल जाए तो और अच्छा लगेगा देखने में। बहुत सॉलिड सॉलिड हाईवे मिले हमें, एकदम मतलब शानदार रास्ता, प्लेन और चौड़ा, 4-लेन हाईवेज थे। और अब जाके हमने एक कट लिया राइट में जो कट निकलता है नैनीताल के लिए भी, मतलब इसी रोड को फॉलो करके, इसी रूट को फॉलो करके आप नैनीताल के लिए भी जा सकते हो। और आपको पता है कि नैनीताल के आसपास ही पड़ता है जिम कॉर्बेट। बाकी रास्ता जो है ओवरऑल मेरे कहने का यही मतलब है कि बढ़िया आपको मिलने वाला है। तो भाई फाइनली यहाँ पर ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 5:44, दिख रहा होगा आपको टाइम इसके अंदर। और अभी ये देखो कुछ इस तरीके की हालात में गाड़ी चलानी पड़ रही है, सामने से अगर कोई गाड़ी आती है तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है, तो ये करना कोशिश आप लोग की जल्दी आ जाओ, हम तो लेट हो गए थे। ये देखो और बाकी ये जंगल है, डीप फॉरेस्ट है और इस जंगल में थोड़ा ध्यान से ही गाड़ी चलानी पड़ती है, लाइक बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते हैं, कोई भी आगे आ सकता है अचानक से, जानवर वगैरह या बंदर कह लो, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देख रहे हो, बहुत डेंजरस। दोनों तरफ देखोगे तो पेड़ पौधे जो है ना भाई बिल्कुल घने हैं, डीप फॉरेस्ट है पूरा। तो फाइनली एक लंबी ड्राइव के बाद पहुंच चुके हैं इस रूम के अंदर जो कि कॉर्बेट के अंदर है, जिम कॉर्बेट के अंदर। और कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ये रूम, बेसिक अमेनिटीज के साथ ये रूम आता है साथ में। अभी मॉर्निंग में आपको पूरे डिटेल में रिजॉर्ट भी दिखाएंगे, ये जो रिजॉर्ट या होटल कह लो कैसा है, इससे व्यू कैसा नजर आता है। और यहाँ पे ये स्मार्ट टीवी वगैरह लगा हुआ है और इस तरफ बैल्कनी भी है, इस तरफ से एंट्रेंस है, वॉशरूम वगैरह वेस्टर्न कमोड के साथ है। यहाँ पे देखो ये भी दे रखा है वार्डरोब, इधर से विंडो भी है, विंडो से भी आपको थोड़ा बहुत व्यू मिल जाएगा। दोनों के दोनों ये बैल्कनी के अंदर खड़े हैं आराम से। और उस तरफ देखोगे तो हल्की हल्की लाइन माउंटेन्स की दिखाई दे रही होगी और इस तरफ इनका पूल एरिया वगैरह है और नीचे काफ़ी बड़ा लॉन भी है। तो मॉर्निंग में अच्छे से आपको दिखाऊंगा ये रिजॉर्ट, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, एक ना ज़बरदस्त मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पर और अभी दिखाता हूँ आप लोगों को बाहर का नज़ारा। वाओ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कितना सही लग रहा है देखने में, इतनी फ्रेश एयर जो मिल रही है ना यहाँ पे, वो भाई फील कर पाओगे यहाँ पे अगर आते हो तो। चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी है, ये देखो खेत है, सामने की तरफ पहाड़ है, बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एग्जैक्ट इस कहीं मतलब इसी लोकेशन पे ना सनराइज भी होगा। और अभी हम लोग सुबह के 7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो अभी हम लोग निकलेंगे जंगल सफारी के लिए। और ये जंगल सफारी जो है ना भाई, वो गाड़ी वाड़ी के थ्रू नहीं करने वाले, हम जंगल में बेसिकली वॉक करने वाले हैं। ये जंगल वॉक होने वाला है, जंगल सफारी की जगह, और इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा जब चलेंगे, देखते हैं कि पहले ये है कैसा। बाकी यार मजा आ रहा है, मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है, मजा। तो ब्यूटीफुल सा सनराइज हो चुका है और धूप जो आ रही है ना चेहरे पे, उसकी वजह से अब थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी उम्मीद है। बाकी ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है, मजा आ रहा है, मतलब इतना अच्छा अच्छा सा लग रहा है, फ्रेश हो गया बिल्कुल दिमाग। अभी सो के उठने के बाद चेहरे की हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन भाई ये नज़ारा देखने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना तो बनता ही है। और
ये जो ब्यूटीफुल सा होटल लग रहा है ये काफी सुंदर लग रहा है अभी, चारों तरफ ग्रीनरी है, ये देख के मुझे मजा बहुत आ रहा है। और देखो माउंटेन व्यू के साथ ये पूरा का पूरा होटल जो है इस तरीके का लग रहा है, सुबह के टाइम में प्यारा लग रहा है देखने में काफी ज्यादा। और उस तरफ कार खड़ी है अपनी, पार्किंग है, और इन्होंने ये जो लॉन एरिया है ना, तो इस लॉन एरिया में ये भी बना रखा है। देखो यहाँ आराम से बैठ सकते हो, अपनी टी कॉफी इंजॉय कर सकते हो ब्यूटीफुल से गार्डन में फ्रेश एयर के साथ। और अभी गाड़ी लेके निकलते हैं जंगल की तरफ, और जंगल में भी थोड़ा देखेंगे कि कुछ देखने को मिल जाए, कुछ जानवर वानवर, और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं क्योंकि इसी नेचर को तो मिस करते हैं हम सिटी में रहने के बाद। और ये देखो ये स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का। कैसे रास्ते में जा रहे हैं हम, रास्ता जो यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा है और आगे की तरफ अभी जंगल स्टार्ट ही होने वाला है ऑलमोस्ट। ये देखो भाई ये आगे गाड़ी, आगे काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी पार नहीं होगी शायद, मुझे लग रहा है बारिश के टाइम में ना ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा एक वो नहर बन जाता है, नहर कह लो नदी कह लो, और इस टाइम पूरा सूखा पड़ा हुआ है। और ये देखो एलिफेंट्स ने क्या किया है, पॉटी कर दी है यहाँ पे। इससे पता लग रहा है कि इस रास्ते में ना, इस पूरे एरिया में एलिफेंट्स जो हैं वो टहलते रहते हैं, तो रात के टाइम में तो यहाँ निकलना थोड़ा मुश्किल ही है ना, सेफ नहीं है ना रात के टाइम में निकलना यहाँ पे, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए हम अच्छा अभी भी मिल सकते हैं हाथी वगैरह, लेपर्ड भी मिल सकता है। अरे बाप रे संदीप भाई, अगर मिल गया फिर वो तुम कुछ नहीं देखोगे, फिर वही देखेगा, जो देखेगा वही देखेगा। और ये कितना सुंदर लग रहा है जंगल देखो। ये देखो नहर आ गई हमारे सामने, बता रहे हैं सर कि ये जो है ना ये जमीन प्लेन था, यहाँ से चल के जा सकते थे, और अभी ये देखो पानी की वजह से ये पूरा कट गया है, और ये पानी मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से आता है कि सब उखाड़ता हुआ चला जाता है। इसमें बड़े बड़े पेड़ भी बह के आ जाते हैं ना, जैसे वहां पे पड़ा भी हो इतना बड़ा पेड़ है वो उखड़ के आया हुआ है पानी के साथ ही। ऐसी जगह पे आ गए हैं कि अभी इन सब ने हमें वार्न कर दिया है कि यहाँ पर केयरफुल रहना है, क्योंकि ये अंकल है ना इनका एक जानवर था, उनको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे पकड़ लिया था लेपर्ड ने, अभी ऐसा बोल के थोड़ा डरा भी दिया है। दिन के टाइम में भी करते थे क्या अटैक? अरे बाप रे, मुझे लगता था कि वो कम से कम रात में अपना डिनर ढूंढते हैं, पर उनको ब्रेकफास्ट भी चाहिए। और ये सेंसिटिव एरिया है पूरा, मतलब हाई चांस है, क्योंकि देखो ये रास्ता जो है ना टायर के निशान भी दिख रहे होंगे, तो यहीं से सारी जीप सफारी वगैरह निकलती है जो लेके जाते हैं ना 5-6 बंदों को एक जीप पे, तो ये रास्ता वही है। हम मेन राजा जी नेशनल पार्क जंगल के अंदर ही आ चुके हैं अभी इस टाइम पे। तो भाई ये जो सफारी हम कर रहे हैं, जंगल सफारी कह लो चाहे जंगल वॉक कह लो, ये आप जब इनके यहाँ पे रूम्स वगैरह लोगे ना तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। और भैया क्या बता रहे हैं आप, यहाँ पे अगर मतलब सेम रास्ता है सेम जगह पे जीप सफारी होती है? हाँ, सेम जगह पे जीप सफारी होती है। और क्या चार्जेस जीप सफारी के वगैरह करते हैं? 8,000-9,000-7,500 ऐसी लोगों ने चार्जेस कर रखे हैं एक्स्ट्रा। वो तेरी महंगा महंगा कर रखा है, महंगा महंगा कर रखा है। और हम पैदल चल रहे हैं, एक नेचर का भी मजा ले रहे हैं, थोड़ा हाई रिस्क भी ले रहे हैं क्योंकि फन बढ़ जाता है ना। और जिम कॉर्बेट का मतलब ये है कि भाई थोड़ा एडवेंचर करना है, और ये चीज़ फ्री में मिल रही है हमें, तो इस स्टे में एक ये प्लस पॉइंट तो है कि आप
फ्री में, मतलब अपने 8-9 हज़ार रुपए या 11 हज़ार रुपए कोई लेता है, मिनिमम 8 हज़ार रुपए है ना। हाँ, तो कम से कम 8 हज़ार तो बच रहे हैं आपके। और ये सुंदर सा जंगल जो कि खौफनाक भी है, उसके मजे लेंगे। बताओ, किसी टाइम पे पेड़ हुआ करता था ये, दीमक ने क्या हाल किया है जंगल में। कुछ भी हो रहा है भाई, कोई जानवर जानवर को खा रहा है, कोई कीड़े मकोड़े पेड़ों को खा रहे हैं, और ये पेड़ भी कितना डेंजर है। मतलब रात में अगर आप इस जंगल में आ गए तो भाई मेरे को तो लग रहा है हार्ट पेशेंट तो वैसे ही मर जाएगा, बहुत खौफनाक जंगल है ये जगह। देखो यार, यहाँ से भी पानी का सोर्स निकलता होगा, जहाँ तक दिख रहा है मुझे बरसात में सारा पानी निकलता होगा। और भैया बता रहे ऐसी जगह पर ही लेपर्ड का खतरा ज़्यादा है, ये छुपे होते हैं। अभी देखना, फिर इसके पीछे छुपाओ, अंदर झाड़ी में छुपाओ। पेड़ भी ऐसे हैं कि पानी ने ना सारा रास्ता काट पीट दिया, ये टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं, उधर तो जड़ें तक दिख रही हैं पेड़ों की। और ये डीप फॉरेस्ट में सेम भाई सेम, यहाँ पर ही आपको गाड़ी से घुमाएंगे, देखो सेम रास्ता है यहाँ पर। स्लो स्लो जितना आप पैदल चल रहे हो ना, उसी स्पीड में गाड़ी चलती है। और लक की बात होती है यहाँ पर सारी। दिखने को आपको मल्टीपल टाइम्स दिख सकते हैं जानवर अलग अलग, लेपर्ड भी दिख सकते हैं। और नहीं दिखने को भाई पूरा जंगल हांड लो, मूड नहीं है शेर का वॉक पे निकलने का, तो निकलेगा ही नहीं। सफारी करके आगे भाई, हम जंगल पूरा पार करके आगे। हार्ड लक था कि कोई कुछ नहीं दिखा, वैसे दिख भी जाता तो डर ही हो जाता कि भाई कभी अटैक ना कर दे। तो अभी यहाँ पहुँच चुके वापस से अपने स्टे के पास, रूम के पास जो अपना होटल है। और अभी ब्रेकफास्ट के लिए चल रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है, अंदर से दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है रेस्टोरेंट। अभी यहाँ से भी आपको ना व्यू के नाम पर एक ग्रीन ग्रीन एरिया मिलेगा देखने को। ये देखो, ये लग रहा है ब्यूटीफुल सा ग्रीन एरिया, सनलाइट इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना। ये सारे खेत हैं साइड में, और यहाँ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करने वाले हैं हम। गर्मा गर्म पराठे आ चुके हैं भाई ब्रेकफास्ट में, और अभी इसको खाते हैं निपटाते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी आपको ना ये नीचे वाला रूम दिखाता हूँ, जिसमें आपको कुछ इस तरीके की बैल्कनी मिलती है, खड़े हो सकते हो आप यहाँ पे, बैठ सकते हो आराम से। और अभी ये रूम जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखो ये रूम की एंट्रेंस है, इसमें दो चेयर लगी हुई हैं, एक टेबल भी लगा हुआ है, साइड टेबल भी लगे हुए हैं। बेड जो है कुछ इस तरीके का है, ये दो लोगों के लिए सफिशियंट होने वाला है बेड, और बहुत सही लग रही है बेडिंग वगैरह, नया नया सा है सब कुछ। और इस तरफ देखोगे तो रूम में यहाँ पर टीवी वगैरह लगा हुआ है पैनल के साथ, और इस तरफ आपको ये विंडो भी है। विंडो की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बेसिकली आप बैल्कनी में जाके गार्डन में आराम से बैठ सकते हो। और इस तरफ इनका ये वार्डरोब लगा हुआ है एक एरिया के अंदर, और इस तरफ है वॉशरूम। वॉशरूम की मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, ये हो चुकी हैं शायद लाइट्स ऑन, नहीं हुई है। तो ये जो है वेस्टर्न कमोड के साथ आपको बेसिक एमिनिटीज़ के साथ वॉशरूम मिलता है, लाइक गीज़र वगैरह, शावर वगैरह, और बेसिन वगैरह लगा हुआ है। बाकी कुछ इस तरीके का ही रूम होने वाला है, जो कि दो लोगों के लिए बहुत अच्छा रूम होने वाला है। तो अभी जो ये रूम दिखाया मैंने, यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं सारे सिमिलर रूम्स होने वाले हैं, डिफरेंस मतलब अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, सिमिलर है। और ये बेस्ट बजट होटल होने वाला है आप लोगों के लिए जिम कॉर्बेट के अंदर। तो बेसिकली ये पवलगढ़ के अंदर पड़ता है, और यहाँ का जो रूम टैरिफ होने वाला है वो होने वाला है 3000 रुपीज़। लेकिन 3000 रुपीज़ के अंदर इंक्लूड क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ तो आपको एक रूम मिलता है एक नाइट के लिए, उसमें आपको मिलेगा मील्स। मील्स में क्या है, जिस दिन आप चेक इन करोगे उस दिन आपको लंच दिया जाएगा, फिर रात में डिनर भी दिया जाएगा, और अगली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। यानी कि तीन मील, और जो सफारी हमने वॉक करते हुए आपको दिखाया वो सफारी 3000 रुपये में, रूम प्लस मील्स प्लस सफारी, तीनों चीज़ें इंक्लूड है। तो ये बेस्ट डील होने वाली है, बजट होटल होने वाला है। साथ में इस होटल के अंदर आपको ये बड़ा सा स्विमिंग पूल भी मिल जाता है, तो इस स्विमिंग पूल के अंदर भी इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। और एक बेस्ट बजट होटल लगा मुझे ये, और इतने पैसों में इतना कुछ ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर आप जब भी जिम कॉर्बेट का प्लान करें आ सकते हो, बहुत बेस्ट होने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप इजीली बुकिंग कर सको। और अगर आप चाहते हो कि सफारी आप पैदल ना चलो, जीप सफारी करनी चाहते हो अगर आप, तो जीप सफारी के लिए भी इनके पास अच्छा पैकेज अवेलेबल है। मतलब जो रेट यहाँ पर चल रहा है, जो मैंने बताया कि 8000 रुपये से कोई 9000 रुपये ले रहा है, कोई 11000 रुपये ले रहा है, अलग अलग प्राइस हैं, तो उनसे सस्ता ये आपको ऑफर करवा देंगे, प्राइस उनसे सस्ता दिलवा देंगे जीप सफारी का। दोपहर का टाइम हो गया है, टाइम हो चुका है चेकआउट का, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का हो चुका है वेदर। सन जो एकदम अप हो चुका है, और भाई बिल्कुल ज़बरदस्त खिली खिली धूप आ रही है,
मौसम में और रखी ठंडक, छाव में ठंड लग रही है और धूप में अच्छा लग रहा है, थोड़ी गर्मी भी लग रही है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को इस वीडियो में होटल, जंगल, वेदर सब के बारे में पता लग गया कि क्या हाल है इस टाइम पे जिम कॉर्बेट का। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।